यूनिस्वैप यूनिक है। वॉल्यूम के अंदर एक जबरदस्त ग्रोथ हम लोग को देखने को मिला है, लगभग 2000% वॉल्यूम के अंदर ग्रोथ। और प्राइस के अंदर अभी देखेंगे तो लगभग $7 से $12 तक यहाँ पे सडन एक पंप इसके अंदर देखने को मिला है। और वॉल्यूम की बात करें, लगभग अगर आप लोग देखेंगे इसका ऑल टाइम, अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें लगभग 25 बिलियन की वॉल्यूम इसके अंदर जनरेट हुआ था। और अभी के टाइम पे क्या इस जोन को यहाँ पे तोड़ता हुआ आगे देखने को मिल सकता है? क्या यूनिस्वैप यहाँ पे $100 तक जा सकता है? नेक्स्ट यूनिस्वैप जैसा प्रोजेक्ट आप लोग कौन से ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर ऐसा ग्रोथ देख सकते हैं जिसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। टॉप अभी के टाइम पे अगर क्रिप्टो मार्केट की बात करें यूनिस्वैप के अंदर, अगर आप लोग देखेंगे तो लगभग 1 मंथ के अंदर 100% की ग्रोथ, 1 ईयर के अंदर 88%, मतलब इस 1 मंथ के अंदर जितना इसके अंदर ग्रोथ हुआ है आने वाले 1 ईयर के अंदर यहाँ पे ग्रोथ देखने को नहीं मिला था। एंड क्यों हुआ है जिसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे न्यूज एंड अपडेट कोई भी जाम कहना हो जिसके ऊपर आप लोग को टाइम टू टाइम वीडियो मिल जाता है। एंड यहाँ पे बात करें नेक्स्ट यूनिस्वैप कॉइन, यहाँ पे कौन सी ऐसे प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर आप लोग को अभी के टाइम पे नजर रख सकते हैं। तो सबसे पहले यूनिस्वैप की बात करें, $12 के अंदर यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। एंड अभी के टाइम पे अगर आप लोग देखेंगे यूनिस्वैप की न्यूज एंड अपडेट की, तो बेसिकली यहाँ पे एक जो V2 है इनके ऊपर यहाँ पे अपग्रेड हुआ है, जहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे OX की जो एड्रेस था, जो इथेरियम की एड्रेस था, उसको इन्होंने यहाँ पे OF3 के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट किया है। एंड OF3 प्रोफाइल के अंदर आप लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड इनका जो मेजर अपडेट था वो था इनकी ऐप की। एंड इनका जो ऐप है वो 65% जो यूजर है वो यहाँ पे एक्सचेंज है उसको यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे जो वेब ऐप है इन्होंने यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं। एंड आप लोग अभी के टाइम पे अगर एंड्रॉइड के ऊपर यहाँ पे इनकी ऐप को यूज करना चाहे तो उसको यूज कर सकते हैं। एंड जिसकी वजह से यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे वॉल्यूम की बात करें, अगर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट ईयर इनके अंदर जो वॉल्यूम था लगभग 3 बिलियन के आसपास यहाँ पे क्रिएट हुआ था। एंड अभी के टाइम पे अगर आप लोग देखेंगे सडन एक वॉल्यूम इसके ऊपर जनरेट हुआ है, लगभग 13 बिलियन की वॉल्यूम, मतलब यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट हुआ है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे लगभग 4x की ग्रोथ जो है यहाँ पे देखने को मिला है Q3 के अंदर, जो ये लोग यहाँ पे लेके आ रहे हैं यूनिस्वैप V4 मॉडल। एंड इसी की वजह से जो है यहाँ पे आने वाले दिनों के अंदर हाइप देखने को मिल सकता है। देखिए यूनिस्वैप की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो आने वाले दिनों के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा वो है इनकी जो हम लोग क्या करते हैं यूनिस्वैप को जब यहाँ पे यूज करते थे वहां पे क्या होता है, जो ट्रांजेक्शन फीस है वो थोड़ा सा ज्यादा लगता था। एंड अभी अगर आप लोग देखेंगे लगभग $14 हमने यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 4ETH के साथ में यहाँ पे स्वाप किया 1 इंच को। एंड अभी के टाइम पे अगर आप लोग देखेंगे तो लगभग $14 के आसपास इनका जो पहले जो चार्ज था वो यहाँ पे लग रहा था, लेकिन अभी के टाइम पे लगभग $2 के आसपास इनका जो चार्ज है वो यहाँ पे लग रहा है, मतलब यहाँ पे जो फीस है वो थोड़ा सा गैस फीस है वो यहाँ पे कम हुआ है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे हाइप देखने को मिला है। V4 भी ये लोग Q3 के अंदर यहाँ पे लेके आने वाले। एंड जिसकी वजह से यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा इसके ऊपर हाइप देखने को मिल सकता है। जो लोग यहाँ पे सेंट्रलाइज एक्सचेंज को यूज नहीं करना चाहते वो लोग यहाँ पे डेक्स को यूज करते हैं। एंड यूनिस्वैप जो है सबसे पहला प्रोजेक्ट था जो मार्केट के अंदर यहाँ पे आया था, जो ग्रोथ है वो आप लोग को यहाँ पे यूनिस्वैप के ऊपर देखने को मिला था। तो देखिए अभी के टाइम पे क्या ये $100 तक जा सकता है? तो देखिए मेरे हिसाब से अभी अगर आप लोग देखेंगे लगभग $7 से इसने $12 तक यहाँ पे जंप किया है एक अपग्रेड की वजह से। एंड यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन फीस है, जो गैस फीस हम लोग को लग रहा था वो थोड़ा सा यहाँ पे कम हुआ, तो जिसकी वजह से इतना वॉल्यूम अगर इसके ऊपर आया है। एंड यहाँ पे आप लोग सोच सकते हैं V4 जो है ये लोग यहाँ पे लेके आ रहे हैं। एंड जो सारे मल्टी चेन की सपोर्ट है वो इसके ऊपर यहाँ पे आने वाले दिनों के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। एंड अभी के टाइम पे अगर आप लोग देखेंगे बहुत सारे OF3 की जितने भी चेन है वो यहाँ पे इंटीग्रेशन इनकी यहाँ पे हो चुका है। एंड्रॉइड iOS के अंदर अभी के टाइम पे आप लोग इसकी जो एप्लीकेशन है उसको आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो देखिए मेरे हिसाब से यूनिस्वैप यहाँ पे $100 जाना यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अंदर अगर आप लोग देखेंगे ऑल टाइम स्वैपिंग के अंदर लगभग 90 मिलियन जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे 24 हर्स के अंदर यहाँ पे बन रहा है, मतलब 1 बिलियन के आसपास जो वॉल्यूम है यहाँ पे लगभग यहाँ पे बन चुका है। तो आप लोग यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि यूनिस्वैप के ऊपर यहाँ पे कितना ट्रैफिक यहाँ पे आ रहा है। तो उसी के हिसाब से देखिए V4 यहाँ पे आने वाला है। एंड एक बुलियन के अंदर ये $100 को यहाँ पे टच कर सकता है। एंड इसका अगर हम लोग जैसे बात किया अभी के टाइम पे देखिए इसका जो मार्केट कैप है वो यहाँ पे लगभग 25 बिलियन को यहाँ पे ब्रेक करता हुआ आप लोग को आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है। एंड अभी के टाइम पे 25 बिलियन 50 बिलियन तक भी यहाँ पे मार्केट चला जाता है। प्राइस लगभग यहाँ पे $50 के आसपास यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड मेरा जो फेद है यहाँ पे इस टोकन के अंदर $100 जाना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अभी के टाइम पे जितना भी रूल एंड रेगुलेशन सारे वर्ल्ड के अंदर आ रहा है उसके हिसाब से जो है यूनिस्वैप की यूज केस जो है आने वाले दिनों के अंदर बहुत ही ज्यादा यहाँ पे हो जाएगा। बात करें डीफाई की, ऐसा कौन कौन सी टोकन है जिसके अंदर आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। यूनिस्वैप तो यहाँ पे एक अच्छा खासा पंपिंग हो चुका है, जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है उसके ऊपर आप लोग को ध्यान में रखना है वो है पैनकेकस्वैप। एंड पैनकेकस्वैप के अंदर अभी के टाइम पे अगर आप लोग देखेंगे $3 के आसपास यहाँ पे चल रहा है। एंड जब यहाँ पे $2 के आसपास था उसके अंदर हम लोगों ने वीडियो आप लोग के साथ में शेयर किया था। एंड अभी के टाइम पे $3 के आसपास चल रहा है। इसके अंदर भी 24 हर्ज के अंदर लगभग 12% की ग्रोथ हम लोग को देखने को मिला है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट जो रैली है वो आप लोग को पैनकेकस्वैप हो गया, 1inch हो गया। एंड 1inch के अंदर भी अभी के टाइम पे आप लोग देखेंगे एक अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट होता हुआ हम लोग को देखने को मिला है। 1inch के ऊपर भी हम लोगों ने यहाँ पे आप लोग के साथ में अपडेट शेयर किया था वो है SushiSwap। इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है क्योंकि देखिए इसका प्राइस की बात करें $1.68 के अंदर यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, जिसके अंदर हाई पे आप लोग को देखने को मिल सकता है। तो देखिए जो 3 कॉइन है वो हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप लोग को थोड़ा सा नज़र रखना चाहिए। एक हो गया SushiSwap, हो गया नेक्स्ट हो गया 1inch हो गया, जिसके ऊपर आप लोग को थोड़ा सा नज़र रखना चाहिए। नेक्स्ट है पैनकेकस्वैप। टॉप DeFi टोकन के अंदर मार्केट कैप जो है लगभग 59% यहाँ पे ग्रोथ के अंदर जा चुका है। तो इसी के हिसाब से आप लोग थोड़ा सा अभी के टाइम पे फोकस कर सकते हैं। एंड अभी देखिए जो सारे ऑल्ट कॉइन है उसके अंदर थोड़ा बहुत गिरावट हम लोग को देखने को मिला है। DeFi के जितने भी प्रोजेक्ट है उसके ऊपर हाइप देखने को मिला है। 2 ऐसा सेक्शन है जिसके ऊपर हाइप देखने को मिला है। एक तो हो गया DeFi सेक्शन, दूसरा हो गया यहाँ पे AI सेक्शन। एंड AI के अंदर भी आप लोग देखेंगे AGI एंड रेंडर टोकन के ऊपर भी ग्रोथ देखने को मिला है। एंड बहुत सारे AI प्रोजेक्ट क्यों ग्रोथ कर सकता है जिसके ऊपर हमने हमारे चैनल के ऊपर आप लोग के साथ में वीडियो शेयर किया था, जो वर्ल्ड कॉइन के ऊपर था। उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी जाके थोड़ा सा देख सकते हैं। एंड वर्ल्ड कॉइन भी अभी के टाइम पे 80% के आसपास यहाँ पे ग्रोथ के अंदर चल रहा है। तो मार्केट के अंदर ट्रेंड के साथ अगर चलना है तो आप लोग को इस चैनल को फॉलो करना है। एंड इस चैनल के ऊपर हम लोग को जो लगातार आप लोग को जब भी यहाँ पे कुछ ट्रेंड आता है उसी के ऊपर आप लोग के साथ में शेयर करते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था आज की वीडियो यूनिस्वैप के ऊपर। अगर आप लोग होल्ड करना चाहते हैं अभी के टाइम पे एक अच्छा बाइंग जोन के अंदर है, आप लोग चाहे तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं। थोड़ा सा अभी हाइप हुआ है, थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि देखिए जब यहाँ पे कुछ हाइप देखने को मिलता है, एक हाइप यहाँ पे छोटा नहीं होता है। बुलन के अंदर जब हाइप देखने को मिलता है 100%, 200%, 500% ऐसा ग्रोथ हम लोग को देखने को मिलता है। तो आपके हिसाब से आप लोग को डिसीजन लेना है कि आप लोग को करना क्या चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था आज की वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे न्यू है तो मेक श्योर सब्सक्राइब करके रखिए। ऐसा न्यूज एंड अपडेट या तो कोई एग्जाम का हो वो आप लोगों से मिस ना हो।